morning everyone. I hope you all are fine. Okay. Today I, Arjuna, start your Hindi 1 class. Okay? Hindi 1 yani Hindi Vyakaran. English mein Hindi grammar. Okay? Vyakaran aur रचना आपकी हिंदी वन की बुक है, जैसा कि मेरे हाथ में बुक है ना, उसका फर्स्ट पेज पे आपको यहाँ मिलेगा लिखा हुआ हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये आपकी हिंदी वन की बुक है। ठीक है, हिंदी वन बुक में आपका पहला लेसन है भाषा लिपि और व्याकरण, भाषा लिपि और व्याकरण। यानी पहले लेसन में हमें इन तीन चीज़ों के बारे में आपको बताना है, मुझे आपको इन तीनों के बारे में जानकारी देनी है। जैसा कि क्लास 4 में आप पढ़ के आ चुके हैं, जान चुके हैं भाषा क्या है। भाषा विचारों और भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, दूसरों के विचारों और भावों को समझने का एक माध्यम है। ठीक है, मनुष्य सबको मालूम है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वही माध्यम क्या है? भाषा। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है। पहले हम जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो वो पहाड़ों पर, गुफाओं पर अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया। किसी भी नुकीली चीज़ से वह कई सारे चित्र बनाने लगा, बहुत सारे चित्र बनाता था, पहाड़ों का, पत्थरों का, चिड़ियों का, पक्षियों का, कई तरह के, है ना। और दूसरा जो है उसी चित्रों की सहायता से, संकेतों की सहायता से उसकी बात को समझ लिया। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, समाज विकसित होता गया, तो उसे अपने विचार को व्यक्त करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ी और वही माध्यम कहलाई भाषा। ठीक है, तो भाषा का विकास किसी तरह से हुआ। ठीक है, पहले लोग अपनी भावनाओं को लिखकर, कुरेद कर व्यक्त करते थे और दूसरा उस चिन्हों को देखकर समझता था, सामने वाले की भावनाओं को समझता था। आप लोगों ने में से बहुतों ने जंगल बुक मूवी देखी हो, है ना, उसमें पशु पक्षी जो है उनके साथ साथ रहते रहते मोगली नाम का बच्चा भी उनकी बोली को सीख गया, समझ गया और उसी आवाज़ में, ध्वनि में वह उनसे बात करने लगा। देखा है ना बहुतों ने वो मूवी। ठीक है, उसी तरह अब जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया तो उसको अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ने लगी, तो भाषा का विकास हुआ। पशु पक्षियों को, जानवरों को भी आपने स्वध्वनि में, साउंड से आवाज़ करते हुए सुना होगा और दूसरा पशु पक्षी जो है उस ध्वनि से, उस आवाज़ से, उस साउंड से उसकी बात को समझ लेना, तो पशु पक्षी भी अपनी बातों को, बोलियों से भावनाओं को व्यक्त करते अपनी अपनी बोलियों के द्वारा। ठीक है, लेकिन मनुष्य जो है वो दो तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। पढ़ा लिखा है, सभ्य है, तो वो लिख कर, पढ़ कर, बोल कर, तीनों तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो भाषा जो है अपने मनोभावों को, विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे से करते हैं। ठीक है, तो भाषा, अभी मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखाऊंगी कि भाषा क्या है। वैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 7 येलो कलर से दिया हुआ है भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। ठीक है, तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने का, भावों को आदान प्रदान करने का एक तरीका है। ठीक है, तो भाषा वह माध्यम है। डेफिनेशन देख लीजिए एक बार।
विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं। तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों व भावों को प्रकट करते, दूसरों के सामने प्रकट करते, या तो आप बोलेंगे या आप लिखेंगे। ठीक है, दो तरह से आप अपने विचार और भाव प्रकट कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य जो है वह शिक्षित है, सभ्य है, तो वो दो तरीके से अपनी बातों को, भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के भावों और विचारों को हम समझते हैं। दूसरा व्यक्ति भी इसी माध्यम के द्वारा आपको समझाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं, या बोलिए या लिखिए। डेफिनेशन आपके बुक में है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, साधन और माध्यम दोनों एक ही वर्ड है, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई एक, दोनों सही है। ठीक है, भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लिखकर या बोलकर, और दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। क्लियर? तो भाषा में मैंने आपको बता दिया, भाषा अपने विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, एक साधन है। ठीक है, उसका डिटेल में डेफिनेशन आपके बुक में भी है, सेम डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर भी लिखा। ठीक है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, बस मैंने एक वर्ड इसमें चेंज किया है, माध्यम, माध्यम की जगह आपके बुक में साधन दिया होता है। ठीक है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते और दूसरों के भाव और विचारों को समझते। ठीक, उसके आगे चलेंगे भाषा के प्रकार, इसकी मतलब ओके। भाषा दो प्रकार की होती है, पहला है मौखिक भाषा, मौखिक शब्द बना है मुख से, मुख से बना है मौखिक, मुख मतलब होता है मुख, लिप्स। ठीक है, तो भाषा के बारे में आपको मालूम चल गया कि अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो विचार और भाव आप किस तरह से व्यक्त करते हैं, दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एक होता है मुख के द्वारा बोलकर, मौखिक मतलब होता है बोलकर, और सामने वाला कैसी आपकी बात और विचार को समझ गया, सुनकर, साउंड, ध्वनि से, आवाज से, एक्सप्रेशन से आपकी बात वो समझ गया जो आप उसको समझाना चाहते हैं। तो पहले वाले में आपने मुख का प्रयोग किया है, मुख का प्रयोग किया, बोलकर अपने विचारों को व्यक्त किया है, भावनाओं को व्यक्त किया, इसलिए ये भाषा क्या कहलाएगी, मौखिक भाषा। ठीक है, जब हम बोलकर अपने विचारों
चौथी भाषा कहलाती है। जब हम बोलकर और बोलते कैसे हैं, मुख के द्वारा, है ना, मौखिक शब्द बना है मुख, बोलकर। जब हम बोलकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, समझाते हैं, तो उस तरह की समझाने की विधि क्या कहलाती है, मौखिक भाषा। जैसे एक एग्जांपल आपका ले लीजिए, जैसे फोन, फोन पर बातचीत करते हुए आपने बहुत लोगों को सुना हो। फोन के द्वारा आप अपने दूर वाले व्यक्ति को, पास वाले व्यक्ति को अपनी बातों को समझाते हैं। या बहुत सारे लोगों ने आपस में बातचीत करते हुए लोगों को देखा हो, है ना, आमने सामने बात करते हुए एक बोलता है और दूसरी उसकी बात को समझता है, तो वो क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा का प्रयोग वे लोग कर रहे हैं, है ना। तो जब हम बोल कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है, मुख के द्वारा निकली हुई भाषा। आपकी ध्वनि से, आवाज से सामने वाला व्यक्ति आपकी भावों को, विचारों को समझ लेता है, ठीक है। और दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा, वर्ड सेइंग क्लियर है, जो भाषा लिखी हुई, ठीक है, जिस भाषा के द्वारा आप लिखे वो कहलाई लिखित भाषा। अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर किया वो कहलाया लिखित भाषा, ठीक है। तो जब हम लिखकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। अब इसमें एक एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, पत्र, पत्र, ठीक है, पत्र जो है आपका लिखित भाषा का उदाहरण, ठीक है। लिख कर आप अपनी बातों और विचारों को व्यक्त करते हैं। न्यूज़पेपर, अखबार जो है वो भी लिख कर, उसमें भी लिखने वाले जितने भी आर्टिकल्स छपते हैं, लिखने वाले जितने भी उसमें लेखक हैं, उनके अपने विचार वो लिख कर हम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो लिख कर जब हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करेंगे तो वो लिखित भाषा कहलाएगी, ठीक है। और जब हम बोल कर अपने विचारों और भावों को समझाते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाएगी। समझ में आ गया, इट इज क्लियर नाउ, ओके। अब आएंगे तीसरी भाषा है एक और भाषा होती है तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। हालांकि इसको व्याकरण में मान्यता नहीं मिली है, भाषा को दो ही प्रकार माने गए हैं, लेकिन फिर भी एक और भाषा होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक वर्ड बना है संकेत से, संकेत का मतलब होता है इशारा करना, इशारा, है ना। जैसे आप ऐसे करते हैं ना, कुछ भी नहीं बोला, आपके मुख से एक आवाज भी नहीं निकली और आपने सामने वाले को देखकर ऐसे इशारा किया, और सामने वाला आपके इशारे से समझ गया कि आप उसको बुला रहे हैं, ठीक है। वो इशारा उसके लिए काफी है समझने के लिए कि आपने उसे बुलाया है। आपने एक बार भी अपने मुख का प्रयोग नहीं किया, आपने कुछ लिखा भी नहीं, दोनों के अलावा आपने तीसरे भाषा का प्रयोग किया, सांकेतिक भाषा, इशारा, बुलाना, ठीक है, उसको कहते हैं सांकेतिक। व्याकरण में इसको मान्यता नहीं दी गई है, दो ही भाषा मानी गई है,
लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा की वो मान्यता नहीं है, इसलिए हम लोग भाषा के दो ही प्रकार जानते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। आपके बुक में दिया हुआ है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक वर्ड बना है प्रदेश, प्रांत से, राज्यों से, है ना। प्रदेश आपको मालूम है कि हम जब भारत में रहते हैं, हमारे भारत में कई सारे प्रदेश हैं, ठीक है, और हर प्रदेश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे आप बिहार में जाएं तब आपको हिंदी भाषा, ठीक है, उसी तरह उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा, मध्य प्रदेश हिंदी भाषा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आप साउथ में चले जाएं तो आपको केरल में मलयालम भाषा सुनाई पड़ती है, बंगाल की तरफ चले जाएं तो बांग्ला भाषा, ठीक है, राजस्थान में चले जाएंगे तो राजस्थानी भाषा। तो जितने प्रदेश उतनी भाषाएं, ठीक है। तो प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? प्रादेशिक। भारत में कई सारे राज्य हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, 22, सिर्फ 22 भाषाओं को ही हमारे भारत में मान्यता मिली है। आपके बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, भारतीय भाषाएं, भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे मैंने आपको भी बताया, वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को ही संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है। विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं, प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा। जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया पंजाब प्रांत की भाषा है पंजाबी, उसी तरह से कई कुछ राज्य दिए हुए हैं और उन राज्यों में कितनी भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं, पेज नंबर 8 पे आपके बुक में दिया हुआ है। ये आपको हार्ड टू लर्न, दिस आपको याद करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आपके बुक में दिया हुआ है प्रदेश, और उसके सामने उसकी लैंग्वेज भाषा भी हुई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1, प्रमुख देशों के नाम और उससे बोली जाने वाली भाषा। पहला है असम, असम में असमिया भाषा। दूसरा दिया हुआ आपके बुक में पश्चिम बंगाल, बांग्ला भाषा। तमिलनाडु, तमिल। आंध्र प्रदेश, तेलुगु। जम्मू और कश्मीर, डोगरी या कश्मीर। गुजरात, गुजराती। महाराष्ट्र, मराठी। दिल्ली, हिंदी। बिहार, हिंदी। उत्तर प्रदेश, हिंदी। मध्य प्रदेश, हिंदी। उत्तराखंड, हिंदी। छत्तीसगढ़, हिंदी। झारखंड, हिंदी। राजस्थान, हिंदी या राजस्थानी। हरियाणा, हिंदी। मणिपुर, मणिपुरी, ठीक है। कुछ राज्यों के नाम और उनकी भाषाएं आपके दिया हुए आपकी बुक में दी हुई है, आपको उसको याद करना, यू हैव टू लर्न दिस, ओके। अब नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ओके। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अपने देश से बाहर, ठीक है, बोली जाने वाली भाषा। आप अपने देश में हिंदी भाषा पराठे से बोलते हैं, है ना, लोग उसको समझते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको कभी अपने देश से बाहर जाना पड़े और ऐसे देश में जाना पड़े जहाँ लोग हिंदी नहीं समझते,
तब तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, है ना। तो ऐसी भाषा जिसके द्वारा उस समय आप अपनी बात को सामने वाले को समझा सकें, ऐसी भाषा का ज्ञान आपको होना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। आप अपने देश से बाहर गए, किसी भी कारण से गए, और वहाँ के लोग आपकी भाषा नहीं समझे, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी उनको समझ में नहीं आई, तो एक ऐसा जरिया जिसके द्वारा आप अपनी बात को समझा सके, एक ऐसा लैंग्वेज, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी बहुत सारे देशों में बोली जाने वाली भाषा, जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अंग्रेजी, एक ऐसा लैंग्वेज है जो आप देश, किसी भी देश के कहीं किसी भी कोने में ले जाए, वहाँ अंग्रेजी जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले लोग मौजूद रहते हैं, वो आपकी बात को समझ लेते हैं। आप इस माध्यम के द्वारा, इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा, आप अपनी बात उस वक्त उस व्यक्ति को समझा सकते हैं, ठीक है। तो कई देशों में बोली जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो तीन चीज मैंने आपको बताई, ठीक है, भाषा के बारे में बता दिया, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को, भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं। फिर मैंने आपको बताया भाषा का विकास कैसे हुआ, जब लोग जंगलों में रहते थे तो अपनी भावों को, विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरों को समझाने की कोशिश करते थे, जैसे पहाड़, पहाड़ पे वो किसी नुकीली चीज़ से कोई कोई चित्र बनाने लगे और दूसरा उस चित्र के द्वारा समझने लगा, वो माध्यम बन गया सामने वाले की बात को समझने का। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, मनुष्य सभ्य और शिक्षित होता गया, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ी और वही, ठीक है। तो भाषा जो है, आप अपने विचारों को व्यक्त करने का, सामने वाले के विचार और भावों को समझने का एक माध्यम है। अपने विचार का हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं भाषा के द्वारा, अपने भावों का हम लोग विचार आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो आदान प्रदान हम लोग कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था लिखित भाषा और मौखिक भाषा, है ना। अपने विचारों को, भावों को अब लिख कर दूसरों को समझा सकते हैं, वो लिखित भाषा, जिसमें मैंने आपको उदाहरण दिया था पत्र, पत्र जो है वो लिखित भाषा का उदाहरण है। न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे लेखक जो है अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो अपना, उनका अपना भावना, अपनी सोच है, ठीक है। तो उनका लिखा हुआ आप पढ़ के समझ गए वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, तो वो लिखित भाषा का उदाहरण। दूसरा मैंने आपको बताया मौखिक, मुख से निकली हुई, है ना। तो मुख से निकली हुई यानी बोलकर आप अपने विचारों को व्यक्त किया, अपने भावनाओं को व्यक्त किया, सामने वाला सुनकर आपकी बात को समझ गया, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फोन, आजकल का सिंपल है उदाहरण हो गया फोन, दूर बैठे लोगों को, रिश्तेदारों को आप फोन के द्वारा सब चीज, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो सुनकर आपकी बात को समझ गए। फिर तीसरा मैंने आपको बताया सांकेतिक भाषा, संकेत, इशारा से समझाना या बुलाना, लेकिन व्याकरण में उसको मान्यता नहीं मिली है, सिर्फ दो ही भाषाएं मानी गई है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसका मतलब क्या हुआ, सामने वाला देखकर क्या समझ गया कि आप उसको बुला रहे, आपने कुछ बोला ना, आपने कुछ कहा ना, आपने कुछ लिखा, सिर्फ आपने इशारा किया, सामने वाला समझ गया कि आपको, आपको वह, आप उसको बुला रहे हैं, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा इशारों द्वारा समझाना, लेकिन व्याकरण में इसको मान्यता नहीं है, इसलिए आप सिर्फ दो ही भाषा लिखेंगे एग्जाम, अगर आता है एग्जाम में, तो भाषा के दो ही प्रकार है, लिखित भाषा और मौखिक, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था प्रादेशिक भाषा के बारे में, है ना।
प्रदेश, प्रांत, राज्य है ना। भारत विशाल देश है जिसमें कई सारे राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, ठीक है। तो प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिंदी भाषा। लेकिन अगर आप वही चीज़ साउथ में चले जाएंगे, केरल की तरफ, तो मलयालम आपको सुनाई देगा। राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थानी भाषा आपको सुनाई देगी, ठीक है। कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीरी भाषा है। तो जितने प्रांत उतनी भाषाएं, है ना। लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता मिली हुई है, 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान किया गया है, ठीक है। प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके बुक में प्रदेशों के नाम और उसके सामने उनकी भाषा लिखी हुई है, पेज नंबर है आपका 8। यू हैव टू लर्न दिस कॉलम, ओके, जस्ट मार्क इट एंड राइट द लर्न। असम, असमिया, पश्चिम बंगाल, बांग्ला, तमिलनाडु, तमिल, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी या डोगरी, गुजरात, गुजराती, महाराष्ट्र, मराठी, दिल्ली, हिंदी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिंदी, झारखंड, राजस्थान, हिंदी, हरियाणा, हिंदी, मणिपुर, मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए थे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में, बताया मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट कॉलम हम लोग यही आए थे, नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप भारत में रहते हैं और किसी कारणवश आपको अपने देश से बाहर जाना पड़े और सपोज़ कि वहाँ के लोग आपकी देश की भाषा हिंदी नहीं जानते हैं, उस वक्त आप क्या करेंगे, कैसे अपनी बात को आप समझाएंगे। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी है, आप फराटे से बोल लेते हैं, तो आप वहाँ पर अपनी भाषा को, अपने भावों को समझा सकते हैं, है ना। तो अधिकतर देशों में बोली जाने वाली, ये अधिकांश प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, और ये अधिकांश देशों में बोली जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। और बहुत सारे देश हैं आपकी बुक में, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे, बहुत सारे हैं। देखिए एग्जाम्पल डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अधिकांश प्रदेशों में बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा, अधिकांश देशों में बोली जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। तो अब जो भाषा अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और इसकी लिपि है रोमन लिपि। हम लोग आगे आएंगे, पहले एक टॉपिक क्लियर हो जाए फिर हम लोग आते हैं लिपि को, ठीक है। फिर आपके बुक में सेम पेज पर जहाँ पे प्रादेशिक भाषा दी हुई है उसी के नीचे आइए, देशों के नाम और उसमें बोली जाने वाली भाषा दी हुई है, ठीक है। अगेन यू हैव टू राइट हियर लर्न, यू हैव टू लर्न दिस कॉलम, दिस वन आल्सो, दिस वन आल्सो, ओके। प्रमुख देशों के नाम और उसमें बोली जाने वाली भाषा, इंग्लैंड अंग्रेजी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी, जर्मनी जर्मन, चीन चीनी, जापान जापानी, पाकिस्तान उर्दू, संयुक्त अरब अमीरात अरबी, ईरान इराक, फारसी, फ्रांस फ्रेंच, ओके, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्लास अगेन वी हैव टू रिवाइज दिस टिल हियर, ओके।